क्या अब्दुल, क्या हो गया? कंडेल तैयार? तैयार। किसने फोड़ा बम? मैं पूछ रहा हूँ, यह बम किसने फोड़ा? ये कोई जगह बम फोड़ने की? ए जेठालाल, बच्चों को क्यों डांट रहे हो? अब दिवाली के दिनों में पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे वो? अरे भाई, फटाके फोड़ो उसकी ना नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बम बम क्यों फोड़ते हो? क्यों डरते हो बम से इतने बड़े होकर? ये भिड़े हुशियारी, तू क्यों बीच में डबका डाल रहे? अपना काम करना, जाने भाई जाने अंदर। जाओ जाओ जेठालाल, घर पर जाओ और दया भाई पर गुस्सा करो। जाओ। ए जावड़ी, ए चांपली, तू अंदर जा, ज्यादा देर गैलरी में खड़ा मत रहे। किचन में बहुत सारा काम है, बर्तन दो, बर्तन जा जल्दी। ए जेठा, ऐसे भाग क्यों रहा है? कुत्ते पीछे पड़े हैं क्या? नहीं, बम पीछे पड़े हैं। क्या बताऊं बापूजी, जहां से गुजरता हूं बम ही बम फूटते हैं। ये बम एक दिन मेरी जान लेके छोड़ेंगे मुझे। अरे आप आ गए? नहीं, अभी टाइम है। क्या बताऊं बापूजी, मार्केट में इतनी मंदी है, ये दिवाली में धंधा ही नहीं है बिल्कुल। अरे धंधे में तो ये सब चलते रहता है। अरे क्या चलते रहता है बापूजी, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम सबको गांव वापस जाना पड़ेगा, वो भी चलते चलते। वो सब छोड़िए, आप इस दिवाली में मुझे सोने का सेट दिलवाने वाले थे, उसका क्या हुआ? और हाँ, मेरे लिए साइकिल, फुटबॉल, बैडमिंटन। अरे तुम दोनों क्या पागल हो गए? अभी मैंने कहा कि धंधा ही नहीं है दिवाली में, मंदी है, तो अभी तुम लोगों को यह सब चीजें चाहिए? या भाई, ये तेरी मंदी जो है ना, इन घर वालों की वजह से नहीं आई है जो तू इन पे चिल्ला रहा है। अरे मंदी हो या चंदी, इन लोगों को जो भी चाहिए दिलवा दे। और नहीं तो क्या, उस दिन तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि दिवाली में जो भी चाहिए वो मैं दिलाऊंगा, तो दिवाली आ गई, मैंने कुछ मांगा तो उसमें क्या गुनाह किया है? सोने का सेट मांगा तो फिर ऐसे कुछ कर रहे, तो मैंने मेरे में क्या कर दिया? तो मैं कुछ नहीं। आते हो किधर? आज काली चौदस है ना, तो घर की अशांति और कंकास को चार रस्ते डालने जा रही हूँ। मतलब तुम वापस नहीं आओगी? क्या अभी? इसी तरह चलता रहा तो 2-3 साल के बाद लोग फटाके खरीदना ही बंद कर देंगे। हैप्पी दिवाली बोल के ऐसे मुंह से ही फटाके का आवाज करेंगे। लविंग या 1000 किलो। कुछ भी कहो, दिवाली की सुबह का मजा ही कुछ अलग होता है। क्या अलग मजा होता है? दिवाली की सुबह जब फटाके फूटते हैं, उससे आप कान पर हाथ रखकर किसी कोने में चुपचाप बैठ जाते हो, तो किसी को बोलने का मौका मिलता है, वरना आप घर वालों को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। अरे वाह बहू, इन दियों से तो घर एकदम सुंदर लगता है। हाँ बापूजी, दिवाली में दिए जलाना तो हमारी परंपरा है। हाँ पता है, दिवाली में बम फोड़ने की परंपरा पता नहीं किसने शुरू की है। तो दिवाली में बम नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे? होली में? चुप रहना वाइडी। आ,